बजरंग पूनिया, वो किससे बात कर रहे हैं? बजरंग पूनिया एक लड़की से बात कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर कोई लड़की उपलब्ध कराओ। क्या वो ऑडियो आप सार्वजनिक करेंगे? भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक में गोल्ड लाने वाले तमाम नेशनल लेवल के खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना पर बैठे हैं। एक हफ्ता हो चुका है, FIR हालांकि दर्ज हो चुकी है ब्रजभूषण सिंह शरण पर, जो कि बीजेपी का सांसद है, लेकिन अब बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह शरण ने मोर्चा खोल दिया है इन सभी पहलवानों के खिलाफ। यौन शोषण के आरोप झेल रहे WFI चीफ ब्रजभूषण सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने उनके खिलाफ साजिश रची है। साथ ही उसने ये कहा है कि उसके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है और जिसके अंदर बजरंग पुनिया ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर लड़की उपलब्ध करवाओ। हालांकि वो वीडियो अभी ब्रजभूषण सिंह ने सामने नहीं रखा है, जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो भी बात को टाल मटोल करते हुए नजर आए हैं। यौन उत्पीड़न के आरोपों पर और शीर्ष पहलवानों के एक वर्ग के विरोध का सामना कर रहे भारतीय कश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके खिलाफ साजिश की गई है और उनके पास एक ऑडियो मौजूद है। ब्रजभूषण सिंह के पास बजरंग पुनिया का ऑडियो मौजूद है जो वो जल्द ही सामने लाएंगे। जहां एक तरफ अभी तक ये कहा जा रहा था कि खिलाड़ी इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि खिलाड़ी नेशनल नहीं खेलना चाहते, अब दूसरी तरफ ब्रजभूषण सिंह ने ये आरोप बजरंग पुनिया पर लगा दिया है कि मेरे पास एक ऑडियो है, इस ऑडियो में बजरंग पुनिया ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे किसी भी कीमत पर कहीं से भी लाओ, एक लड़की उपलब्ध करवा दो। हाल फिलहाल इन दावों में कितनी जान है, कितनी सच्चाई है, ये तो जल्द पता चल ही जाएगा, लेकिन किस तरह से पूरे मामले को अब घुमाते हुए नजर आ रहे हैं ब्रजभूषण सिंह शरण, ये काफी ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है कि 38 मुकदमे दर्ज होने के बावजूद उन मुकदमों के बारे में बात नहीं हो रही है और बैक टू बैक बहुत सारे इंटरव्यू कल से आप ब्रजभूषण सिंह के देख रहे हैं, या पर यूं कहें कि जब से FIR दर्ज हुई है तभी से ब्रजभूषण सिंह शरण की हालत खराब है और वो लगातार नेशनल मीडिया पर जाकर इंटरव्यूज दे रहे हैं। कम से कम 100 से ज़्यादा इंटरव्यू वो दो दिन में दे चुके हैं और हर बार एक नई बात सामने लेकर आते हैं, लेकिन क्या वो इन दावों से खुद को बचा पाएंगे, ये तो एक बड़ा सवाल है ही। और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि अब जिस तरह से महिला पहलवानों के ऊपर और बजरंग पुनिया के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि पुलिस ब्रजभूषण सिंह शरण को छोड़कर इन्हीं पहलवानों को जेल में बंद कर दे और इन्हीं के ऊपर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। हाल फिलहाल एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ये खुलासा जो है वो वाकई चौंकाने वाला है, जिसमें ब्रजभूषण सिंह दावा कर रहा है कि वो एक ऑडियो बजरंग पुनिया का जल्द सामने लाएगा। हाल फिलहाल जैसे ही ऑडियो सामने आता है हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इसी तरह के ताज़ातरीन अपडेट्स रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़।